कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट इसका प्रावधान किया था, वो ग्रुप सी का एग्जाम हो चुका है, उसका रिजल्ट आज कल में ही आने वाला है और मुझे लगता है एक आध दिन में सारा करके और वेबसाइट पर डालेंगे हर कोई अपना नंबर देख करके कि कौन एलिजिबल हो गया है, यानी 50% और 40% की जो कंडीशन है वो एक उसमें डालेंगे। हाँ, सोशो इकोनॉमिक वो भी हमको उनको देना है कि जो 5% मार्क्स सोशो इकोनॉमिक जो जिस इसका जो पात्र है वो उनको देंगे ताकि उसमें जुड़ करके फिर मेरिट बनेगी और उस मेरिट में इसके तुरंत बाद एडवर्टाइजमेंट ग्रुप सी की निकलेगी। सी की एडवर्टाइजमेंट के लगभग 30,000 तो रिक्वेशन डिपार्टमेंट के पास आ गई है, 6,000 पुलिस की है, 36,000 और उस समय तक 1,000-2,000 बढ़ जाएगी, तो इस प्रकार से लगभग 36 और 40 के बीच में ये नौकरियां ग्रुप सी की। ग्रुप सी के इस पात्रता में से वो अगला जो रिजल्ट है उसी में से यानी परीक्षा हो जाएगी। फिर है ग्रुप डी, ग्रुप डी की भी एडवर्टाइजमेंट कभी भी निकल सकती है क्योंकि उसमें रिक्वेशन लगभग सब की जा चुकी है। हम चाहते हैं कि ग्रुप सी की नौकरियां घोषित होने के बाद और ग्रुप डी का सीईटी हो ताकि ये लोग दोबारा से जो सी में चुने जाएंगे यानी जिनकी सिलेक्शन हो जाएगी वो उनमें परीक्षा के लिए ना जाएं, वरना हर किसी की इच्छा होती है पता नहीं सी में मिले ना मिले डी में भी चले जाओ। तो कम से कम ये जो 30 से 40 या 40-45 हज़ार जो नौकरियां लग जाएंगी इनको फिर सी में परीक्षा देने की दोबारा जरूरत नहीं है, बाकी लोग द्वारा देंगे। 3 साल के लिए ये जो कॉमन पात्रता परीक्षा है ये उसी एक बार परीक्षा में उनको लगातार वो रह सकते हैं।